हर स्टूडेंट को मिलेगी स्कॉलरशिप, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहेगा जिसको स्कॉलरशिप ना मिले। फुली फंडेड स्कॉलरशिप मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए, डिप्लोमे के लिए मैट्रिक के बाद, एफएससी के बाद जो है बीएस की जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहेगा जिसे स्कॉलरशिप ना मिले। आज की ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मैं हूँ डॉक्टर चौधरी बिलादुस्कर, एजुकेशनल एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आप सबके लिए जैसा कि अभी आपने सुना होगा, बेहतरीन जो है स्कॉलरशिप के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। आपने करना क्या, सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस जो यूनिवर्सिटी की है वो आपने पे करनी है। उसके बाद जब तक आपकी स्कॉलरशिप डन ना हो जाए, आपको स्कॉलरशिप का लेटर ना आ जाए, एडमिशन लेटर ना आ जाए, तब तक आपने जो है हमें कोई भी पेमेंट नहीं देनी। जब आपका काम हो जाएगा फिर आपने हमें जो है हमारे चार्जेस जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो आपने पे करनी है। उससे पहले आपने सिर्फ जो है यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपने देनी है। तो ये हर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी इंशाल्लाह। जो है हमारा बिल्कुल ऐसा नहीं है, जिस तरह जो है आजकल आपने पाकिस्तान के हालात देखे होंगे, बात कोई करते हैं और होता कोई है। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों स्टूडेंट्स जो हैं हमारे जो है पाकिस्तान से बाहर फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर चले गए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने कमिटमेंट की है स्टूडेंट्स के साथ वो पूरी हुई है। अभी भी हमारे पास जो है मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। स्पेशली मास्टर्स के लिए हर प्रोग्राम में जो है अपना फुली फंडेड सीएससी की स्कॉलरशिप, जिसके अंदर 3000 आरएमबी आपको हर महीने मिलेगा। 3000 आरएमबी का मतलब है पाकिस्तानी 1,20,000 रुपये, जो आपको हर महीने 2 से 3 साल की ये डिग्री होती है चाइना के अंदर, जिसे मास्टर्स कहते हैं, एमएस कहते हैं, एमफिल कहते हैं। ये बैचुलर के बाद होता है, बैचुलर ये नहीं 2 साल वाली बल्कि 4 साल वाली, जिन्होंने बीएस किया हुआ है, बीएस सीएस किया हुआ है, बीएस जो है एजुकेशन किया हुआ है, बीएससी इंजीनियरिंग की हुई है, उन सब के लिए जो है मास्टर्स के अंदर हमारे पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। हर घर से हर बच्चा जो है अब फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे चाइना जाएगा इंशाल्लाह चौधरी कंसल्टेंसी के साथ। पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, चौधरी कंसल्टेंसी ने एक दफ़ा फिर से बेड़ा उठाया है पूरे पाकिस्तान की ग्रोथ के लिए। जो है अब कोई भी पार्टी, कोई भी सियासतदान काम नहीं आएगा, सिर्फ चौधरी कंसल्टेंसी जो है वाहद कंपनी है पाकिस्तान की, जो कि जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, हर घर की बेहतरी के लिए, हर स्टूडेंट की बेहतरी के लिए इंडिविजुअल लेवल पर जो है हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और हर बच्चे को कामयाब करना हमारे अवालीन मंशूर में है, हमारी कंपनी के मंशूर में है। हमने कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, सिर्फ आपने एप्लीकेशन की फ़ीस देनी है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। जब आपका सारा काम स्कॉलरशिप आपकी हो जाएगी फिर आपने जो है हमें हमारी कंसल्टेंसी फ़ीस पे करनी है, जो कि बहुत रीज़नेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज़, एज़ कम्पेयर टू अदर कंसल्टेंट्स जो है बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। हमने एक दफ़ा से जो है अपने सारे जो है मार्जिन वगैरह रीज़नेबल फ़ीस के अंदर जो है स्टूडेंट्स के लिए हमने अपने पैकेज दोबारा जो है अनाउंस किए हैं, ताकि पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है इससे बाहर निकला जाए इंडिविजुअली लेवल पर। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान के इस हालात के ऊपर जहनी तौर पर जो है वो मफलूज हो चुके हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हाईली एजुकेशन के बाद, इंजीनियरिंग के बाद, मेडिकल के बाद, जो उन्हें नहीं समझ आ रही वो क्या करें, बेरोज़गारी के अंदर जो है, घर वालों का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर जो है, और दोस्तों का प्रेशर, इतने ज़्यादा नंबर पोजिशन लेके, मेडल्स लेके भी जो है बेरोज़गार फिर रहे हैं। तो इन सब के लिए एक ही हल है, जो कि चौधरी कंसल्टेंसी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम और नवाजी के साथ जो है हम आपको जो है एक अच्छा फ्यूचर जो है वो आपको ना कि सिर्फ ख्वाब दिखाएंगे बल्कि उसकी तबीर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जो है आप कंप्लीट हमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह व्हाट्सएप कर दें, अच्छे से स्कैन किया हुआ, या हमारी मेल आई डी के ऊपर आप हमें सेंड कर दें। फ्री काउंसलिंग हम कर रहे हैं, एजुकेशनल काउंसलिंग जो है, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपनी तमाम डिटेल्स भेजेंगे, हम आपके जो बेहतरी के लिए, जो आपके लिए जो है अपना एजुकेशन हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, कौन सा कंट्री जो आपके लिए बेस्ट है, वो आपको आपके बजट के अंदर जो है हम आपको उसकी मुकम्मल तौर पर फ्री रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह।